हम यहाँ पर सुनेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, हम देखेंगे यानी कि जो इंडियन पॉलिटी है उसके बारे में, हम सबसे पहले उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, किस तरीके से उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जैसे कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे, और महारानी जो एलिजाबेथ है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार प्राप्त हुआ था। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थे, उन्होंने सन 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी उनके राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार यहाँ पर प्राप्त कर लिए थे। तो यहाँ पर कब अधिकार प्राप्त किए थे, 1765 में ये अधिकार है यहाँ पर इन्होंने प्राप्त कर लिए थे। और 1765 में क्या हुआ था कि मुगल बादशाह था आलम, उन्होंने क्या किया था, 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार दे दिए थे। उसके बाद में हम देखें क्या होता है, जब इनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे तो इसके तहत भारत में उनके क्षेत्रीय जो शक्ति है, भारत में उनके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ हुई, और 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप, यहाँ पर विद्रोह होता है 1858 में, 1858 में जब सिपाही विद्रोह हुआ था तो इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया, और यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से ये जारी रहा है, यानी लगातार ये जारी रहा है। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, और 1934 में एमएन राय, जो कि भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रेरणा माने जाते हैं, 1934 में एमएन राय, तो ये किसके प्रेरणा माने जाते हैं, ये भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रेरणा माने जाते हैं, इनके द्वारा दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में यहाँ पर एक संविधान सभा का गठन किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आता है। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई हैं, तथापि हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विविध रूपरेखा यहाँ पर निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, और इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा किस तरीके से है, सबसे पहले हम बात करते हैं 1773 से 1858 तक क्या क्या हुआ था। सबसे पहले आता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट यह अधिनियम था, इसका अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। दूसरा, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी, और तीसरा इसका काम था कि इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या थी, इस अधिनियम की विशेषता थी कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया, और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का यहाँ पर गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, पहले गवर्नर जनरल थे। इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग अलग थे। और इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की यहाँ पर स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 यहाँ पर अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद में क्या होता है, इसी की विशेषता बताई गई है, चौथी नंबर की क्या विशेषता है इसकी, कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को
निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। और फिर पांचवी इसी अधिनियम की विशेषता थी कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण यहाँ पर सशक्त हो जाता है, और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। उसके बाद में 1784 के अंदर आता है कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट की जो 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेंटलमेंट के नाम से जाना गया। और एक्ट ऑफ सेंटलमेंट है यहाँ पर 1781 में आता है, और उसके बाद में आता है यहाँ पर 1784 में एक महत्वपूर्ण अधिनियम आता है जिसको पिट्स इंडिया एक्ट, या 1784 में ये अस्तित्व में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बताया गया था, इसे ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विलियम पिट के द्वारा पुनः इसको स्थापित किया गया था, इसलिए इसको पिट इंडिया एक्ट कहा जाता है। फिर हम बात करें यहाँ पर इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या थी, इसके कंपनियों के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को इसने अलग अलग कर दिया कि कंपनी के राजनीतिक कार्य अलग अलग होंगे और वाणिज्यिक कार्य हैं वो अलग अलग होंगे। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों में प्रबंधन के लिए यहाँ पर नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का यहाँ पर गठन कर दिया गया, और इस प्रकार यहाँ पर द्वैध शासन की व्यवस्था का यहाँ पर शुभारंभ होता है। और नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करें। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था, पहला तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उनके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। उसके बाद में आता है 1833 का चार्टर अधिनियम, तो ये 1784 के बाद में कौन सा आता है, 1833 का चार्टर अधिनियम आता है, चार्टर अधिनियम। इसमें क्या होता है चार्टर अधिनियम, ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम एक निर्णायक कदम था, और इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। पहली विशेषता क्या थी, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां नहीं थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाली संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर बने थे। दूसरा, इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को यहाँ पर नियामक कानून कहा गया, और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को यहाँ पर अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया था, और इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। और चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद और कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। फिर आता है 1853 का चार्टर अधिनियम, 20 साल बाद दोबारा से आएगा यहाँ पर चार्टर अधिनियम। तो इसमें क्या किया गया, 1793 से 1893 में, 1853 में क्या होता है, 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था, और संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, पहले इस अधिनियम की क्या विशेषता थी, इसने पहली बार गवर्नर जनरल को परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, इसे भारतीय विधान परिषद कहा जाता है। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया, इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, और जिसके तहत विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी।
इसने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया और इस प्रकार यह विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मेकाले समिति की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। तो हम बात करें यहाँ पर जब सिविल सेवकों की नियुक्ति यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है तो उस समय कंपनी की सिविल सेवाएं दो तरह की होती थी, एक तो प्रतिविद्या यानी प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवाएं जो कि उच्च सिविल सेवाएं होती हैं, और एक होती थी गैर प्रसंविदात्मक सिविल सेवाएं जो कि निम्न सेवाएं होती थी। तो पहली कंपनी के कानून द्वारा निर्मित हुई थी जबकि दूसरी है अन्य तरीके से यहाँ पर निर्मित होती है। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि संसद के द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। और इसने यहाँ पर क्या किया था, 1853 का चार्टर अधिनियम है, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया गया। फिर बात चलती है हमारी 1858 से 1947 तक, ताज का शासन यहाँ पर चलता है। किसका शासन चलता है? ताज का शासन चलता है 1858 से 1858 से 1947 तक। 1858 का भारत शासन अधिनियम की हम बात करते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम था। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को यहाँ पर हस्तांतरित कर दी गई। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं भी थी। पहली, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, इसलिए इसको ताज का शासन कहा जाता है। गवर्नर जनरल का जो पदनाम है बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया और यह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय यहाँ पर बने थे। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त करके भारत में शासन की द्वैध प्रणाली यहाँ पर समाप्त कर दी थी और एक नए पद भारत के राज्य सचिव का यहाँ पर सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का यहाँ पर गठन किया गया जो कि एक सलाहकार समिति थी और परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया और इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया जो कि एक नियामक निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता है। इससे भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया गया। तो यहाँ पर भारत में जो प्रचलित प्रणाली थी उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद में यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम आते हैं 1861, 1892 और 1909, ये तीन भारत परिषद अधिनियम यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्या होता है? इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस राजा थे, 3 भारतीय थे, बनारस के राजा, पटियाला के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में यहाँ पर मनोनीत किया था। इस अधिनियम ने मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंट्स को विधायी शक्तियां पुनः देकर के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरुआत की और इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा शुरू हुई विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया
और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर यह पहुंच गया। और इस विधायी विकास की नीति के कारण 1737 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता यहाँ पर हासिल हो गई। फिर बात करते हैं तीसरा, इसमें क्या बताया गया था, क्या विशेषता इसकी बताई गई थी 1861 की, कि बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का यहाँ पर गठन किया गया। और चौथा, इसमें वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गई। इससे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी गई, जिसके तहत वायसराय को परिषद की, यानी वायसराय की जो परिषद है उसका एक सदस्य या एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है। उसे इस विभाग में काउंसलिंग की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इससे वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसलिंग की संस्तुति के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह थी। फिर 1892 का अधिनियम की बात करते हैं। 1861 के बाद में कौन सा अधिनियम आता है? 1892। तो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें हमने देखा है कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम क्या है। 1892 के अधिनियम की विशेषता थी, इसके माध्यम से केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसके विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि करके उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्ति का प्रावधान था। और इसके अलावा यहाँ पर प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर का जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ और जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों की यहाँ पर नियुक्ति करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ है, इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर ही जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा जाता है। फिर 1919 का आता है एक अधिनियम, जिसको हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, तो 1909 के इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में और भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे, इसलिए लॉर्ड मार्ले मिंटो इसको कहा जाता है, यानी कि मिल्लो मांटो सुधार इसको कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड मार्ले हैं वो इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले, और लॉर्ड मिंटो है भारत में वायसराय थे। तो इसमें क्या विशेषता बताई गई है? पहला, इसने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 से 60 हो गई, प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसमें केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया, उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्य प्रणाली परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य यहाँ पर बनाया गया। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया और इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाताओं कर सकते थे। और इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का यहाँ पर प्रावधान किया। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1919। कौन सा अधिनियम आता है? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। तो वो यहाँ पर प्रमुख रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना यहाँ पर करना चाहते थे। तो उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या होता है? यहाँ पर घोषणा से स्थापित किया गया कि ब्रिटिश शासक की सरकार की नीति प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने
और स्वशासन संस्थाओं का क्रमिक विकास करने की थी, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के आंतरिक भाग के रूप में भारत उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति की जा सके। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया और जो 1921 से लागू हुआ, और इस कानून को मोर्टेंग जेम्स फोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मोर्टेंग भारत के राज सचिव थे जबकि जेम्स फोर्ड भारत के वायसराय थे। अधिनियम की विशेषताओं की अगर हम बात करें, केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान करके एवं उन्हें पृथक करके राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय एवं एकात्मक ही बना रहा। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को यहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया, यानी यूनानी शब्द है यहाँ पर, डाई आर्की से ये उत्पन्न हुआ है द्वैध शासन व्यवस्था। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल भी रही है। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की और इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया और दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से यानी कमांडर इन चीफ को छोड़कर के 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार कर दिया। इस कानून ने संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किए और इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित यहाँ पर कर दिया गया। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और अतः 1926 में सिविल सेवकों की यहाँ पर भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो कब यहाँ पर 1926 में केंद्रीय क्या किया था, 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ पर किया गया था। और यह जो आयोग था यह भारत में उच्च नागरिक सेवाओं पर ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो ये 1923-24 में ली आयोग ने सिफारिशें जो की थी उसके आधार पर यह किया गया था भारत में उच्च नागरिक सेवाओं के लिए। फिर हम बात करें यहाँ पर, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत करेगा। उसके बाद में आता है साइमन कमीशन 1927 में। साइमन कमीशन तो ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी कि निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग ने सभी सदस्य ब्रिटिश थे इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की और द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की यहाँ पर सिफारिशें की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए और इन सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया और इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1935 में यहाँ पर शामिल कर दिया गया। फिर सांप्रदायिक अवार्ड की हम बात करते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड क्या है? सांप्रदायिक अवार्ड में क्या होता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ये अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कॉम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन एवं आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया
और दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए। उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया और अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, और इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी यहाँ पर आरक्षित किए गए। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 की बात आती है, इसकी बात आती है भारत शासन अधिनियम 1935। तो यहाँ पर क्या होता है, सांप्रदायिक अवार्ड में बताया गया है, जो हमने देखा था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री है रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे यहाँ पर क्या कहा गया, इसे कॉम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया और अंततः कांग्रेस नेता और दलित नेताओं के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, और इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए यहाँ पर स्थान है आरक्षित कर दिए गए। फिर बात करते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1935 की, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या होता है, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ और यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। तो यहाँ पर भारत शासन अधिनियम में कितनी धाराएं थी, 321 धारा थी और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की विशेषता क्या थी, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की और जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के बीच में तीन सूचियां, संघीय सूची में कितने विषय रखे गए थे, यहाँ पर संघीय सूची के अंदर यहाँ पर 59 विषय रखे गए थे यानी 59, और राज्य सूची में यहाँ पर हम देखें राज्य सूची में 54 विषय रखे गए थे, और संवर्ती सूची यानी संवर्ती में यहाँ पर आ जाते हैं जिनमें दोनों यहाँ पर कानून बना सकती हैं। संवर्ती सूची में यहाँ पर 36 विषय रखे गए थे। इनके आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। संघ सूची में यहाँ पर केवल संघ है वो सरकार नियम बना सकती है, राज्य सूची में सिर्फ राज्य नियम बना सकता है और संवर्ती सूची में दोनों नियम बना सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियां हैं वायसराय को दे दी गई, हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, हालांकि दोनों रियासतों में इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तो देशी रियासतें हैं यहाँ पर, देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और इसमें क्या बताया गया है कि इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ, राज्यों को अपने दायरे में रह करके स्वायत्त तरीके से तीन पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था, और यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। और इसके अंदर हम बात करें, इसमें केंद्र में जो द्वैध शासन प्रणाली है उसका शुभारंभ हुआ, परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित एवं आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा, हालांकि यह प्रावधान कभी भी लागू नहीं हो सका। इसमें 11 राज्यों में से 6 में द्विसंवैधानिक व्यवस्था की गई। तो वो 6 राज्य किस प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं जहां पर द्विसंवैधानिक व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इनमें द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा का यहाँ पर बनाया गया, हालांकि इन पर कभी भी कई प्रकार के प्रतिबंध बनाए गए हैं या बताए गए हैं। और इसी के अंदर दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विचार किया गया, और इसी में भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की यहाँ पर टीम मिल गई थी। और इसमें इसी के अंदर 1935 है भारत सरकार अधिनियम, इसी के अंदर मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया था, और इसके अंतर्गत ही देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की यहाँ पर स्थापना की जाती है। और इसी में न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई
बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की यहाँ पर स्थापना की गई, और इसी के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या बताया गया, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया है, हो जाएगा, और इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। और इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किए और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार्य नहीं करेंगे। और उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया है, और इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बन करके उसे लागू कर दिया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, और ये 18 जुलाई 1947 को इसे राज्यशाही की सेवास्थिति मिल गई थी, और यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू होता है। फिर बात करें यहाँ पर क्या हुआ, अधिनियम की क्या विशेषताएं थी। इसमें भारत में ब्रिटिश राज समाप्त करके 15 अगस्त 1947 से इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन की ताज को करनी थी, और इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। इसमें दोनों डोमिनियन राज्य संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी थी। सभाओं को भी यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती हैं, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। इसमें दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण और कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती हैं, और 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना देंगे। और इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों में राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता को समाप्ति की घोषणा की, और इसके साथ ही यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दे दी थी कि चाहे वो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या फिर वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की यहाँ पर व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। इसने ब्रिटिश शासकों को विधेयकों पर मताधिकार और उसे स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। उन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया, और इसने भारत के राज्य सचिव के द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली यहाँ पर समाप्त कर दी। और 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। और 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को यहाँ पर स्थानांतरित कर दी गई। तो भारत और पाकिस्तान को जो स्थानांतरित कर दी गई थी, दो राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण रेडक्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग ने किया था, और पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र असम का सिलट जिला शामिल किया गया, और उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र और सिलट में अध्यादेश पाकिस्तान के पक्ष में थे। फिर बात करें हम
लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी सेकंड ऑडियो के अंदर हम देखेंगे संविधान का किस तरीके से निर्माण हुआ था।